सुंदर सुंदर पुष्प है यहाँ। विजया, हमें कम से कम गंगा को तो बता कर आना चाहिए था, वो हमारे लिए चिंतित हो रही होगी। सखियों में ना चिंता करने से प्रेम बढ़ता है, तो इसके लिए तुम ये व्यर्थ की चिंता छोड़ो और इस पूरे गुरुकुल का आनंद लो। कितने सुंदर सुंदर पुष्प है यहाँ, स्वादिष्ट फल। और प्यारे प्यारे पंछी, ये गुरुकुल तो पूरा स्वर्ग है, स्वर्ग। क्या जो वो दोनों हमें बिना बताए चली गई? देखो, राज्य के अन्य आश्रमों के आचार्य व्यवस्या ही यहाँ स्त्री शिक्षा पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चलो हम भी तो सुनकर आए, वो क्या बात कर रहे हैं। रुको विजया, तुम तो दिन प्रतिदिन गंगा की तरह निडर बनती जा रही हो। हमें तो ये तक नहीं पता कि हमें उनकी बातें सुननी चाहिए या नहीं। सुननी चाहिए। चलो। अरे कितो प्रणाम। ऋषिवर मृकंडु, आप अपने तेजस्वी पुत्र मार्कंडे के साथ यहाँ पधारे, इसके लिए हम आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। ऋषिवर, आभारी तो हम आपके और महाराज हिमवान के हैं, जिन्होंने वेदों में उल्लेखित स्त्री शिक्षा को एक बार पुनः अपने राज्य में आरंभ किया। ब्रह्मऋषि जहानु, आपके आदेशानुसार हम सभी ने अपने अपने आश्रमों में स्त्री शिक्षा का प्रारंभ तो कर दिया है, किंतु लोग अपनी पुत्रियों को शिक्षित करने के पक्ष में नहीं दिखते। इसलिए तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। यदि हमारी गंगाओं ने समझाए तो वो बिना किसी प्रश्न के अपनी अपनी पुत्रियों को गुरुकुल भेजने को तैयार हो जाएंगे। ये अवश्य ही गुरुकुल की शिष्याएं हैं, केवल इनसे बात करके ही स्त्री शिक्षा में आने वाली चुनौतियों को अच्छे से समझा जा सकता है। लगता है ऋषि कुमार ने हमें देख लिया है, चलो यहाँ से। हमें नहीं पता था गुरुकुल आते ही जय विजय इतना बदल जाएंगी। प्रतिदिन तो वो हमें ढूंढती थी, किंतु आज हम उन्हें ढूंढते हैं। एक बार वो हमें मिले तो सही, फिर हम उन्हें बताते हैं। कहाँ गए दोनों बालिकाएं? जी आप? हम गंगा हैं। गंगा, आप ही हैं वो जिन्होंने इस क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का द्वार खोला है? हाँ, और उसी खुले द्वार से न जाने हमारी सखियां कहाँ चली गई। आपने दो बालिकों को देखा क्या? दो बालिकाएं अभी तो यही थी, किंतु आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी सखियों को बली बाती जानते हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। प्रणाम। प्रणाम। यह हमारा सौभाग्य है, हमें आपसे मिलने का अवसर मिला गंगा। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे महान शिव भक्त ऋषि कुमार मार्कंडे के दर्शन प्राप्त हुए। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। क्षमा कीजिए, किंतु आप हमें कैसे जानते हैं? जिन्होंने बाल्यकाल में ही चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया हो, जिन्हें संसार के सारे मंत्र याद हो और जिनकी जीवा पर साक्षात देवी सरस्वती का वास हो, ऐसे ऋषि कुमार मार्कंडे को भला कौन नहीं जानता होगा।
विजया, लगता है हम आश्रम से बाहर आ गए हैं। अब हमें चलना चाहिए। यदि गंगा साथ होती तब भी तुम यही कहती, किंतु यही तो समस्या है कि अभी गंगा हमारे साथ नहीं है। अद्भुत, वो देखो कितना सुंदर वन है, और वहां श्वेत कमल भी खिले हैं। किंतु जब हम गुरुकुल आए थे तब तो यह उपवन नहीं था। तुम किस सोच में पड़ गई? चलो ना, हम गंगा के लिए श्वेत कमल लाने चलते हैं। चलो चलो। किंतु कमल तो सरोवर में खिलते हैं, फिर यह कमल उपवन में कैसे खिले हैं? ये कौन सा असुर है? अल्पायु असमय काल हूँ, अकाल हूँ मैं। जिस प्रकार तुम लोगों ने आज समय ही मेरे उद्यान के पुष्प तोड़ दिए, उसी प्रकार मैं भी आज समय मृत्यु देता हूं, अकाल मृत्यु। विजया, ये असुर है, भागो! आ, 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 अपनी अकाल मृत्यु से कोई नहीं भाग सकता। अरे रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि भाग भाग कर ही तुम लोगों की मृत्यु हो जाए। काकी, आपने हमारी दोनों सखियों को देखा क्या? नहीं पुत्री, इस ओर तो कोई भी नहीं आया। धन्यवाद, हमने पूरा आश्रम ढूंढ लिया किंतु जय विजय हमें कहीं नहीं दिखी। कहां गई होंगी वो दोनों? हमें जाने दो, अब हम इस और कभी नहीं आएंगे। जाने दो, हमें जाने दो। जहां जाना है जाओ, मुझे तो केवल एक पल का समय चाहिए। गंगा की सखियों की अकाल मृत्यु नहीं, हमें छोड़ दो। निर्धारित करने के लिए नहीं, नहीं, हमें छोड़ दो। ये तो जय विजय का स्वर है। लगता है जय विजय किसी संकट में है। नहीं कर सकते, हम इन दोनों को किसी प्रकार आश्रम ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। प्रभु, आप स्वयं महाकाल हैं, किंतु तब भी अकाल के इस महानर्थ को घटते हुए देख रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, किंतु अब आपको ही कुछ करना होगा।
रोकना ही होगा इस अकाल को। देवी, यदि आज हमने इस अकाल को रोक दिया तो इस संसार में वही व्यवस्था बनी रहेगी जो पहले थी। अकाल देव शक्ति के अधीन होकर आज तो शांत हो जाएगा, किंतु भविष्य में पुनः कोई असुर उसे अपने अधर्म में उपयोग कर सकता है। तो क्या अकाल के इस महानर्क को सदा सदा के लिए रोकने का कोई मार्ग नहीं है प्रभु? नहीं देवी, किंतु ऐसी नई व्यवस्थाओं की स्थापना करने के लिए देवी गंगा का इस संसार में अवतरण हुआ है। इसलिए हम भी ये देखने को उत्सुक हैं कि कैसे इस संसार को अकाल मृत्यु से देवी गंगा सदा सदा के लिए मुक्ति दिलाती है। ऋषिवर, क्या हुआ हमारी सखियों को? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे ऋषिवर? चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। गंगा, इनकी हृदय और नाड़ी की गति बिल्कुल सामान्य है। परंतु इनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इन पर प्रहार किया है। अदृश्य शक्ति? कैसी अदृश्य शक्ति? इसका पता तो प्रश्न कुंडली के द्वारा ही लग सकता है। प्रश्न कुंडली? हाँ गंगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में केवल प्रश्न कुंडली के द्वारा ही ग्रह नक्षत्रों की सटीक गणना की जा सकती है और तत्काल घटी घटना के कारण का पता लगाया जा सकता है। ऋषिवर, शीघ्र अति शीघ्र कुछ तो कीजिए। किसी भी प्रकार हमारी सखियों पर आए संकट को दूर कीजिए ऋषिवर। देवो, हम कब तक इस प्रकार अंधकासुर के अधर्म का मूक दर्शक बने रहेंगे? जैसे हमने पहले भी अकाल को अपनी शक्तियों में बंधी बनाया था, उसी प्रकार आज भी अकाल को अपनी शक्तियों में बंधी बनाकर संसार में घट रहे इस अनर्थ को रोकना होगा। देवराज, मैं आपकी भावना एवं चिंता को समझता हूँ, किंतु केवल अकाल को बंदी बनाने मात्र से ही यह समस्या जड़ से समाप्त नहीं हो जाएगी। इसलिए देवी गंगा पर विश्वास रखिए, क्योंकि केवल देवी गंगा ही अपनी किसी नई व्यवस्था के निर्माण के द्वारा इस संसार को अकाल मृत्यु से सदा सदा के लिए मुक्ति दिला सकती है। तीसरे घर में राहु, छठे में मंगल, आठवें में शनि, ये तो क्या हुआ ऋषिवर? बताइए, क्या कह रही है हमारी सखियों के प्रश्न कुंडली? गंगा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह विजय की प्रश्न कुंडली के अनुसार उनकी अकाल मृत्यु निर्धारित हो गई है। नहीं हो सकता। गंगा के रहते उसके सखियों को कुछ नहीं हो सकता। ऋषिवर, हम अपनी सखियों के जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मार्ग होगा ना, क्या काल वृद्धि को डाल लेगा। यही तो समस्या है गंगा। अकाल मृत्यु को रोकने की संसार में अब तक कोई व्यवस्था ही नहीं है। जया विजया की अकाल मृत्यु कोई नहीं रोक सकता। किंतु वो धर्म से हम पराजित हो जाए, यह संभव कैसे है ऋषिवर?
मुझे लगता है एक मार्ग है जिसे इस अनर्थ को रोका जा सकता है। कौन सा मार्ग? मैंने एक मंत्र के बारे में पढ़ा है जिससे एक बार देवों ने अकाल को रोका था। नमामि शीर्ष देवम किम न मृत्युः करिष्यति देव देवम जगन्नाथम देवेशम धृषक ध्रुजम नमामि शीर्ष देवम किम न मृत्युः करिष्यति। ये तो अकाल बंधन मंत्र है। इसी मंत्र से सृष्टि के समस्त देवों ने एक साथ मिलकर अकाल को श्वेत दीप में बंदी बना दिया था। ऋषिवर, ये कब की बात है और देवों ने ये किस प्रकार किया था? क्योंकि हो सकता है कि वर्तमान की इस समस्या का समाधान अतीत की उस घटना में छिपा हो। गंगा, युगों पहले की बात है। अकाल ने अपनी शक्ति के अहंकार में ग्रह नक्षत्र और समय की गति को परिवर्तित कर समस्त सृष्टि को अपने अधीन करने का प्रयास किया था। तब सृष्टि के 32 कोटि देवों को उसे रोकने के लिए एक साथ आना पड़ा था। ऋषिवर, 32 कोटि अर्थात? गंगा, सृष्टि में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 1 इंद्र, सभी मिलाकर 32 कोटि अर्थात 32 प्रकार के देव हैं। सभी अपने अपने लोकों में वास करते हुए संसार की रक्षा करते हैं, किंतु अकाल को रोकने के लिए सभी 32 कोटि के देवों ने एक साथ मिलकर अकाल बंधन मंत्र का पाठ किया था। नीलकंठम कालयमूर्तिम कालयज्ञम कालनाशनम नमामि शीर्षा देवं किम नो मृत्यु करिष्यति नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम निलयप्रभम नमामि शीर्षा देवं किम नो मृत्यु करिष्यति ये क्या हो रहा है? मुक्त करो मुझे। अकाल के बनते ही ब्रह्मांड में पुनः सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा है। अब ये अकाल सदा सदा के लिए इसी प्रकार हमारी मंत्र शक्ति से बंधा रहेगा। किंतु ऋषिवर, यदि सभी देवताओं ने अकाल को अपनी मंत्र शक्ति से बांध दिया था तो अब वो इस संसार में अकाल मृत्यु किस प्रकार फैला रहा है? गंगा, अवश्य ही देवों को पराजित करने के बाद अंधकासुर ने अकाल को मुक्त कर दिया है। ऋषिवर, इसका अर्थ यह है अब देवता भी अकाल को रोकने में असमर्थ है। हाँ गंगा, किंतु देवों ने जिस मंत्र से उसे बंधक बनाया था वो मंत्र ऋषि कुमार मार्कंडे को कंठस्थ है। मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता, परंतु हो सकता है उस मंत्र के जाप से अकाल का प्रभाव कुछ कम हो जाए। ऋषि कुमार, अब केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कृपया हमारी सखियों पर आए इस अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए अब देवताओं के उस दिव्य मंत्र का पाठ आरंभ करें। अतीत में जो अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करूंगा मैं। एक बार पुनः इस ब्रह्मांड को मैं चलाऊंगा अपने अकाल चक्र से। चक्र से नीलकंठम कालमूतिम कालज्ञम कालनाशनम नीलकंठम।
नमामि शिरसदेवं किं न मृत्युः करिष्यति नीलकंठं विरूपाक्षं निर्मलं निल्यप्रभं नमामि शिरसदेवं किं न मृत्युः करिष्यति नीलकंठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनं नमामि शिरसदेवं किं न मृत्युः करिष्यति नीलकंठं विरूपाक्षं निर्मलं निल्यप्रभं नमामि शिरसदेवं किं न मृत्युः करिष्यति। अकालरथ, चलो अपनी तीव्र गति से और उलट दो ग्रह नक्षत्रों की चाल। चलो अकालरथ, मैंने कहा आगे बढ़ो, चलो। अकालरथ आगे बढ़ो। ये मेरा रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो अकाल को रोक सकती है? नीलकंठम कालमूर्तिम कालज्ञम कालनाशनम नमामि शिरसदेवं किं न मृत्युः करिष्यति नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम निल्यप्रभम नमामि शिरसदेवं किं न मृत्युः करिष्यति। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.